अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं सब? सब खैरियत से होंगे अल्लाह के शुक्र से, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह के शुक्र से। तो आज हम बना रहे हैं दाल मखनी। दाल मखनी का जी चाह गया आज मेरे बेटे का। मैंने कहा मम्मी आज दाल मखनी बनाइए, तो मैंने कहा ठीक है दाल मखनी बना लेते हैं। तो आज मैं दाल मखनी बनाई है मैंने, और इसके साथ मैं कुलचे भी बनाऊँगी, लेकिन उसकी रेसिपी मैं अलग डालूँगी। तो अगर आप देखिए मैंने किस तरीक़े से बनाई है दाल मखनी, बहुत ईजी तरीक़ा है, कोई ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगती इसके अंदर। तो शुरू करते हैं दाल मखनी बनाना। और देखिए अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हैं, आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे हौसला मिलेगा इससे, मेरी हिम्मत बनेगी, क्योंकि मेरी हिम्मत बार बार टूट जाती है। मैं सोचती हूँ पता नहीं मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरा हौसला बढ़ाएंगे, तो मैं आगे और वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं दाल मखनी बनाना। तो हम सबसे पहले दाल को भिगो देते हैं, फिर शुरू करेंगे दाल मखनी बनाना। दाल मखनी बनाने के लिए ये मैंने लिए हैं साबुत उड़द, काले वाले जो होते हैं ये साबुत उड़द। और इसमें मैंने 200 ग्राम मैंने साबुत उड़द लिए हैं, और 50 ग्राम मैंने राजमा डाले हैं। तो अब हम इनको भिगो देंगे। तो ये मैंने राजमा और उड़द भिगो दिए हैं दाल मखनी के लिए। ये कम से कम 4 घंटे में भिगोने हैं, 4 घंटे इनको भिगोना पड़ता है ज़रूर, जब ये अच्छी तरह फूल जाते हैं। तो अब हम इनको भिगो के रख देंगे, और फिर मैं बाद में इनको उबालूंगी। तो ये हमारे उड़द और राजमा दोनों भीग गए हैं। ये देखिए इनका कलर भी चेंज होने लगा है, ये ग्रीन ग्रीन से हो जाते हैं, खूब अच्छी तरह भीग गए हैं ये। आप पूरी रात भी भिगो सकते हैं इनको, तो सुबह ही बना लें इनको, रात को भिगो दें। लेकिन मैंने सिर्फ इनको 2 घंटे भिगोया, और मैंने थोड़ा गर्म पानी डाल दिया था इसमें, तो इसलिए ये बहुत अच्छी तरह भीग गए। तो अब हम इनको उबालने चढ़ाते हैं। तो मैं ये 1 चम्मच इसमें ऑयल डाल रही हूँ। बस ऑयल डालते ही हमें इसके अंदर अपने ये राजमा और उड़द डाल देने हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। पानी हम इतना डालेंगे जितने में हमारे उड़द उबल जाए। उड़द से 1.5 इंच ऊपर पानी डाल दीजिए। उड़द से 1.5 इंच ऊपर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले, बिल्कुल थोड़ा सा लहसुन डालेंगे इसके अंदर। आप लहसुन का पानी भी डाल सकती हैं खाली, मैंने ज़रा सा लहसुन डाल दिया है इसमें। आधी छोटी चम्मच मैं इसमें लाल मिर्ची डाल रही हूँ, आधी छोटी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, और थोड़ा सा धनिया। बस ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको उबलने चढ़ा देंगे। जितनी सीटी में हमारे राजमा उबलेंगे, 4-5 सीटी में उबल जाएंगे आराम से, क्योंकि ये काफ़ी देर हो गई इनको भीगे हुए। तो अब हम इनको उबलने चढ़ा देंगे। इतने हमारे राजमा उबल रहे हैं, इतने हमें राजमा के और मसालों की भी तैयारी कर लेते हैं। तो ये एक सूखा मसाला बनेगा, पहले मैं वो बना रही हूँ। ये 1 चम्मच, 1 छोटी चम्मच ज़ीरा है, इसे हम भूनेंगे थोड़ा सा। एक छोटी चम्मच काली मिर्ची, साबुत काली मिर्ची, इनको हमें सबको हल्का सा रोस्ट करना है बस। ये सूखा मसाला बनेगा जो ऊपर से डलेगा बिल्कुल तैयार होने के बाद। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी मेथी, सूखी मेथी,
बस इनको हल्का सा हमें रोस्ट करना है जो ये आराम से पिस जाएं। बस ये हो गया रोस्ट। अब हम इसको गैस बंद करके इसको निकाल लेंगे और उसे ठंडा करके बारीक पीस लेंगे। एक हमें ये थोड़ा सा ये मसाला पीसना है, ये मैंने थोड़ा सा अदरक लिया है, 3 हरी मिर्ची लिए और थोड़ा सा लहसुन लिया है, ये हमें बारीक पीसना है। ये मैं पीस लेती हूँ, ये फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी पेस्ट इसमें ही डलेगा, भंगार में डलेगा इसके। यह मैं सारी चीज़ें पीस लेती हूँ। ज़रा सा नमक, बिल्कुल ज़रा सा, और ज़रा सा ऑयल डलेगा इसके अंदर। और अब मैं इसको बारीक पीस लेती हूँ। इतने हमारे थोड़ा उबल रहे हैं हमारे, चलिए इतने हमारी दाल उबल ली है, इसमें में हम इसका तड़का बना लेते हैं। तो हम इसमें ऑयल डालेंगे, ये मैंने 1.5 चम्मच ऑयल डाला है इसके अंदर। अब ये जो हमने पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन का हरी मिर्च का, ये डाल देंगे, इसको भून लेंगे खूब अच्छी तरह। अब इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर प्यूरे, ये मैंने 3 टमाटर मीडियम साइज़ के लेके की प्यूरी बना ली है। अब हम इसको खूब अच्छी तरह पकाएंगे। आधी छोटी चम्मच इसमें मैं लाल मिर्ची डाल रही हूँ, आधी छोटी चम्मच मैंने उसमें डाल दी थी दाल में, अब आधी इसमें डाल के हमें खूब अच्छी तरह पकाना है इसको। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। अब हम इसको खूब अच्छी तरह पकाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा भुन गए ये। ये हमें जब तक भूनना है जब ये क्रीमी सा ना हो जाए, ये देखिए इसका ऐसा टेक्सचर ना हो जाए, जब तक हमें इसको खूब अच्छी तरह भूनना है टमाटरों को और हमारे अदरक लहसुन के पेस्ट को। ये देखिए, चलिए देखते हैं हमारी दाल कहाँ तक हो गई है। दाल मुझे लग रहा हो गई है हमारी। हाँ, राजमा भी हो गए। ये खूब अच्छी तरह दाल हो गई है और तड़का हमने तैयार कर ही लिया था। अब हम इसको तड़के में डाल देंगे। तड़का हमने पहले ही तैयार कर लिया था इसका। बस वो हम ये सारी दाल अपनी इसके अंदर डाल देंगे। तो अब हम इसको अच्छी तरह इसको पकाएंगे हम। अब इसके अंदर डलेगा बटर। बस अब इसको हम थोड़ी सी देर इसको ढक के हल्की आंच में पकाएंगे जो ये बिल्कुल घुल मिल जाए। तो खूब अच्छी तरह घुल मिल गई है हमारी दाल, देखिए कितनी अच्छी हो गई है दाल मखनी हमारी। अब हम इसमें एक लास्ट तड़का लगेगा छोटा सा, अब वो लगा देते हैं इसके अंदर।
इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, इसके अंदर थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे, थोड़ा सा नमक और ये मेथी, सूखी मेथी, इसका हम बिल्कुल ज़रा सा पानी, ये जो हमने ज़ीरा, काली मिर्ची और मेथी पीसी थी, तो हम इसके ऊपर ये डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे बस अभी। तो ये बनके तैयार हो गई दाल मखनी। और ये बनके तैयार हो गई हमारी दाल मखनी, कितनी टेस्टी लग रही है देखने में, और हो भी रही है टेस्टी ये बहुत ज़्यादा। तो देखिए कितनी आसानी से बन गई है दाल मखनी, तो आप भी घर में बनाइए। और मैं इसके साथ कुलचे भी बनाऊंगी, उसकी रेसिपी मैं अलग डालूंगी। तो मैं अभी कुलचे भी बनाने वाली हूँ, तो मैं उसकी रेसिपी भी डालूंगी साथ में, लेकिन वो अलग डालूंगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी ये तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, और बहुत अच्छी बन गई है ये, बहुत टेस्टी हो रही है और बहुत आसानी से बन गई है। कुछ ऐसी चीज़ें भी नहीं है कि बाहर से दाल मखनी का मसाला लाना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बहुत कम चीज़ों में दाल मखनी बन जाती है। तो आप भी घर में बनाइए और इसे ट्राई कीजिए, और बहुत अच्छी लगती है ये, चावलों के साथ भी अच्छी लगती है, कुलचों के साथ भी। और तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। तो फिर अगली रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।